अगर बचपने में वो ना बोलते तो माँ पे तो तोहमत लगी चुकी थी, लगाने वाले बदकिस्मतों ने तो लगा ही दिया था, मगर बचपने में बोल करके उन्होंने अब ये कहो कि अब हर नबी को बचपने में बोलना चाहिए, हर नबी को बचपने में बोलना चाहिए। नहीं, बोल सकता है, बोलने की जरूरत नहीं, बोल सकता है, बोलने की जरूरत नहीं। देखो, इसीलिए हजरत ईसा के साथ बड़ा एहतमाम था, हर वक्त हजरत जिब्रील साथ साथ, वायद ना हो गए रूह कुदस, मैं रूह कुदस की बराबर से तायद कर रहा हूँ, हर वक्त साथ, ताकि जहन बहकने ना पाए। मगर अल्लाह के रसूल की शान देखो, न उन्हें मुर्दे को जिंदा करना है, न उन्हें अंधे को अखियारा करना, ये सब कुछ कोई दावा लेकर नहीं आए, कुदरत सब ले आए, अख्तियार सब लेकर आए, अल्लाह सुभाना कुछ लेकर नहीं आए, जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। किसी ने अगर कोई मुतालबा किया तो छड़क दिया कि तुम्हारा मुतालबा गलत है। सुभान अल्लाह। देखा आपने, आप ख्याल करें, यहाँ पे यहाँ जरूरत नहीं, तो ये रसूल की नबूवत की कुव्वत की दलील है, बेशक रसालत के मुकाम की रिफत की दलील है कि इन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इसीलिए वाकई आप देखें, मौजजा देखते कर इनको माना, वहां तो जब मौजजा देखा तो माना, हजरत मूसा का डंडा न होता तो ये यहूदी मानते, वहां मौजजा देखा तो माना, हजरत ईसा को बोलता हुआ न देखते तो ये मानते, वहां मौजजा बोलो, हजरत खुदाजुल कुबरा ने कौन सा मौजजा देखा, हजरत अली ने कौन सा मौजजा देखा, हजरत अबू बकर ने कौन सा मौजजा देखा, करीब वालों ने कौन सा मौजजा देखा, बस सिर्फ देखा तो चेहरे मुस्तफा देखा, नबी का किरदार देखा, नारे रिसालत, फैजान महदूम अशरफ, हुजूर शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और एक बात और बताऊं, मौजजे का मुतालबा हमेशा कौम ने किया तो नबी से भी किया, वहां तो खुदा ने हर नबी से मौजजा दिखवा भी दिया, और यहां जब मौजजे का मुतालबा हुआ, सरकार चाहते तो सब कुछ करते मगर दिखाया नहीं, सरकार ने हमेशा अक्ल को खिताब किया, दानाई को खिताब किया, सरकार का पैगाम कयामत तक के लिए था, बेशक। तो अगर मौजजा दिखा दिखा के मनवाने वाली बात होती तो कौन आके मनवाता, क्या बात, जिनको अपनी जिंदगी तक मामला था, जरूरत थी कि मौजजा वो दिखा दिखा के अपने को मनवाते रहे, दूसरा आएगा दूसरा दिखाएगा तीसरा दिखाएगा, क्या बात। मगर जिसको कयामत तक पैगाम छोड़ना है, सुभान अल्लाह, वाह, कयामत तक के मनवाने वालों के लिए, सुभान अल्लाह, तो वो ऐसी चीज छोड़ेगा जो कयामत तक वालों को मनवा सके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात और बताएं, ये मौजजा का जो मुतालबा करती थी कौम, जब करती थी मौजजा, जब नबी दिखाते थे तो नहीं मानती थी। सुन्नत इलाहिया फिर क्या हुई कि जब किसी कौम ने नबी से मौजजे का मुतालबा किया और नबी ने दिखा दिया और उसने फिर वो नहीं मानी तो उस पर खुदा का अजाब आ गया, ऐसी कौम को खुदा फिर नहीं छोड़ेगा कि इतनी सच्ची बात वाजे हो गई फिर भी नहीं मानती। अब गोया इसमें मानने की सलाहियत ही नहीं, बेशक। अब ये जाहिर कर दिया खुदा ने, अजाब से पहले इत्मामे हुज्जत हो गया, अब मौजजा देख के भी नहीं माना तो अब जाहिर हो गया कि अब इसके अंदर मानने की सलाहियत ही नहीं, इसको फिरा कर दो। ये थी सुन्नत इलाहिया। अब बोलो, नबी से अगर हमारा कौम, उस वक्त भी कुछ कौम थी जो नबी से मौजजे की तालिब थी, नबी ने मौजजा नहीं दिखाया
नबी जानते थे कि मैं अगर मौजूदा भी दिखा दूंगा तो ये मानने वाले नहीं है। सुभान अल्लाह, ये मानने वाले नहीं है। और नहीं मानेंगे तो इन पर खुदा का अज़ाब आएगा, इन पर खुदा का अज़ाब आएगा। ये शान है मतलबी आलमी के खिलाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान महदूम अशरफ, हुजूर शेखुल इस्लाम, जानशीन मुहद्दिस आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मा मन क़ब्लहुम मिन क़रियतिन अहलकनाहा अफहुम युमिनून। ए महबूब, इनसे पहले वाले भी तो मौजूदा देख के नहीं माना, क्या ये मान लेंगे? पहले वालों ने भी तो नहीं माना, क्या ये मान लेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, किसी फर्दे वाहिद ने अगर मौजूदे का मुतालबा किया तो रसूल ने दिखाया। और हमने तारीख में ये देखा कि जिसको दिखाया वो ईमान वाला हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। मुतालबा करने वाला अगर कोई एक है तो वो अगर एक तबाह भी हो जाए तो कौम की तबाही नहीं। बेशक, ना माने तबाह हो जाए तो एक ही तो गया, कौम तो नहीं गई, कौम तो नहीं गई। क्या बात बताइए, पत्थर फेंकने वालों के लिए जो रहीमो करीम हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। घाटा बिछाने वालों के लिए जो रहमत हो, सुभान अल्लाह, वो इस चीज को कैसे गवारा करेगा कि हम इसको मौजजा दिखाएं और ये ना माने तबाह हो जाए। नबी तो सामने वाले को नहीं देखते, बल्कि ये भी कहते हैं खैर इसके ईमान नहीं है, इसके मुकद्दर में नहीं है, नहीं सही, कम से कम इसकी पुश्त में, इसकी नस्ल में ईमान वाले हो। आने वाले ईमान वाले, इतनी रू रियायत है, इतनी रू रियायत है कि इनमें इनके मुकद्दर में ईमान नहीं तो इनको तबाह ना करो, बल्कि इनकी नस्ल ही में एक कौम पैदा हो जाए। देखिए, वो सारे कुफार अगर तबाह कर दिए जाते तो आज इतने मुसलमान कहां से होते? क्या बात है, क्या बात है। अरे उन्हीं ना मानने वालों की तो नस्ल में से हुई है सब। सब अरब से तो नहीं आए ना, सादात और शुयूख के सिवा बकिया तो सब यहीं से है ना। बेशक, सुभान अल्लाह। वो सब ना मानने वाले ही तो थे, सुभान अल्लाह, सब ना मानने वाले थे और उन्हीं की नस्ल में मानने वाले हो गए। क्या बात, अब सबको तबाह कर दिया जाता तो ये मानने वाले कहां से मिलते? क्या बात। तो अब आप देखें, कुछ लोगों, मैं एक मिसाल बताऊं, अबू जहल बड़ा परेशान था कि इस्लाम का जोर बढ़ता ही चला जा रहा, और जितना ही परेशान है उतनी ही तरक्की हो रही। तो वह अरब की खिताबत तो बहुत मशहूर थी, तो यमन में एक बहुत ही जबरदस्त खतीब थे, उनका नाम हबीब था, वो अबू जहल का दोस्त। तो अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया, अब बुला करके सोचा कि अपनी खिताबत को वो जौहर दिखाए और जो इस्लाम में बढ़ते हुए लोग जा रहे इसको रोके। है हबीब आए तो अबू जहल ने बताया कि एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, ये है वो है, और उसकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही, तुम कोई तदबीर करो। तो हबीब ने कहा कि जब मैं उनसे बात तो कर लूं, तो अबू जहल का दबदबा दिल में पैदा हो, कहीं ये भी ना हो जाए, कहीं ये भी उधर ना हो जाए। बात इतनी माकूल थी कि वो कह भी नहीं सकता था बात ना करो। अब उसके बाद सरकार को बुलाया गया, सरकार सिद्दीक अकबर के साथ पहुंचे, मगर सरकार का जो रूप और जलाल था, हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई बात करे, तो सरकार ने खुद ही पूछा किस लिए बुलाया। तो अब हिम्मत हुई हबीब को बोलने की कि सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, तो हम इस सिलसिले में दो मुतालबा रखते हैं, दो सवाल। पहली बात तो ये, रात का वक्त था, जदवी का चांद बिल्कुल सामने ही था, पहला मुतालबा ये कि आप इसको दो टुकड़े कर दें अगर नबी। क्या बात, क्या समझे? एक उस वो थालते कुफर में थे ना,
मगर जानते थे कि जो नबी होता उसके तसर्रुफात कहां तक होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दूसरी चालाकी देखिए, दूसरी चालाकी ये थी कि दुनिया का कोई मुतालबा नहीं किया, किस पत्थर के टुकड़े कर दीजिए, इस जानवर को ये कर दीजिए, उस दरख्त को ये कर दीजिए। क्यों? दुनिया की चीजों पे जादू चल जाता। क्या बात है, क्या बात। मगर कोई जादू से चांद के टुकड़े नहीं कर सकता, कोई जादू करके सूरज को नहीं पलटा सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जादू की रसाई आसमान पर नहीं है, जमीन पर तो हो सकती। एक चालाकी उनकी ये भी थी। क्या बात है, ये कोई और ही ताकत है जो इस काम कर सके? सरकार ने ये नहीं कहा, उसको मौजूदा दिखाने के लिए तैयार हो गए। सवाल एफसोस ने किया था, और मैं तो कहता हूं मुस्तफा को मालूम था कि ये ईमान लाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक ईमान लाने वाले। बकिया तो ताबे मुहम्मल की तरह पीछे पीछे चले पीछे पीछे चले। मुतालबा एक ने किया, जबले अबू कुबैस पर आप गए, इशारा किया चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान। इशारा किया फिर मिल गए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या कोई मिलाएगा जैसा सरकार ने मिलाया? सुभान अल्लाह। एक आईने को तो फिर मिला दो, बाल रह जाएगा। क्या बात, पहली वाली हालत नहीं पैदा होगी। मगर उन्होंने चांद के आईने को तो मिला दिया, दराज तक भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिला दिया कि दराज तो नहीं। यही तो है ऐसे मिलाने वाले कि जब दिलों को दिल से मिला देते हैं तो कोई कुदूरत नहीं रह जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिला दिया इन्होंने, इतना दिखना था कि हबीब चीख पड़ा, ऐ अबू जहल सुन ले, ऐ उकबा सहबा सुन ले, ऐ अखबा इब्ने अबी मुईस सुन ले, ऐ वलीद इब्ने मुगीरा सुन ले, اے قریشیوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے احساسات تک پہنچ سکتا؟ جب اس کے اندر وہ بات آئی نہیں تو کیسے پہنچے؟ تو دوستو، جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک تمیز سیاری تمیز والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح ایک نابالغ بلوغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو یہ کیا جانے کہ نبی کا کان کیا ہوتا ہے، نبی کی آنکھ کیا ہوتی ہے، نبی کی زبان کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو اچھی طرح، حضور نے معجزہ ضرور دکھایا ہے کبھی کبھی لوگوں کے کہنے سے، مگر ایسے بیان معجزات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے گئے، اس ضرورت کے حساب سے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب معجزات کو آپ خصوصی عطیہ سمجھیں، بہرحال جتنی صورتیں میں نکالتا جا رہا ہوں آپ بھی سوچیں گے پھر آخر ہے کیا چیز جو دے دی گئی۔ ایک ایک چیز کہنا یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا، تو ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ یہ ہے کوثر ہے کیا پھر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوثر ہے کیا جو دے دی گئی؟ تو پھر میں بتاتا ہوں، یہ کوثر اس میں مبالغہ۔ کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ۔ کثرت میں مبالغہ ہو تو کوثر، جہر میں مبالغہ ہو تو جوہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہر میں چمک دمک ہوتی ہے، جوہر زیادہ جب غایت ظہور ہو تو جوہر۔ جہر میں ظہور، غایت ظہور جوہر۔ کثرت میں کثرت، ذاتی اور ذاتی کی انتہا ہو، غایت کثرت ہو تو کوثر۔ سبحان اللہ۔ تو اے محبوب، میں نے کثرت کی غایت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ غایت کثرت
दे दी। और मैं आपको बताऊं, गायते कसरत जो है वो कसरत से बाहर आए। क्या बात है। हर चीज की इंतहा जो होती है वो खारिज होती, अगर अंदर हो, अंदर हो तो जुज बन जाएगी, बाहर तो गायते कसरत जो है, जहां कसरत की इंतहा वहां से वहदत की इब्तिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां कसरत की इंतहा वहां वहदत की इब्तिदा, और वहदत की इब्तिदा जहां, और वाहिद हकीकी सिर्फ खुदा। बेशक सुभान वाहिद हकीकी सिर्फ खुदा। तो मतलब यह है महबूब, हमने तुझे गायते कसरत दे दी, यानी वहदत दे दी। वहदत दे दी, वो कौन सी वहदत है? हकीकी वाले ने खुद कह दिया, ए महबूब हमने तुझे अपने को दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, हुजूर शेखुल इस्लाम, जानशीन मुहद्दिस आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए महबूब मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो गया, तू भी जानो माल से मेरा हो जा। फसल रब्बी का वनहार, फसल रब्बी का वनहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदन इबादत भी मेरे लिए, माली इबादत भी मेरे लिए, तो तू मेरा मैं तेरा। सुभान अल्लाह। तू मेरा और खुदा की जात मुस्तफा की हो, मुस्तफा खुदा के हो, ये बात तो शायाने शान मुस्तफा की। बेशक शायाने। और दुनिया में कौन सी चीज है जो मुस्तफा की नजर या उनके शान के मुताबिक, और दुनिया में कौन सी चीज है? मैं तेरा तू मेरा, क्या मतलब? इतना कुर्ब हो गया, इसी को कहते हैं ताल्लुके काबा कौसाइन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अपने को देना हुआ तो दे तो दिया उसने, और फिर और भी मजीद दिखाने के लिए रसूल को ऊपर बुलाया। ये उठे उठते चले गए, बढ़े बढ़ते चले गए, चमके चमकते चले गए। दना फतत अल्लाह फकार काबा कौसैन आवा दना। सुभान अल्लाह। काबा कौसैन वहां पहुंच गए, और फिर वहां जाकर के लकद रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अपने रब्बे कुबरा की आयत देखी, निशानी देखी, आयते कुबरा देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की आयते कुबरा क्या देखा? क्या जन्नत खुदा की आयते कुबरा? क्या सिदरा खुदा की आयते कुबरा? वहां बुला के क्या देखा? खुदा की आयते कुबरा को देखा। तो जानते हो खुदा की आयते कुबरा क्या है? खुदा की आयते कुबरा हकीकत मुहम्मदिया है। रसूल वहां अपने को देखने गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल ने यहां अपने को देखा बशरियत के हिजाब में, और वहां देख रहे हैं बेहिजाब होकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की आयते कुबरा है मोहम्मद अरबी। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख रहे हैं, देखा आपने, बुलाकर ताल्लुके काबा कौसैन। ताल्लुके काबा कौसैन जानते किसे कहते हैं? अरब में, असल में कुरान करीम भी अरब के उसलूब बयान के ऊपर नाजिल हुआ, तो वहां की कुछ इस्तलाहात भी इसके अंदर आ गई समझाने के लिए, ताकि अरब समझ लें कि ये है कौन सा ताल्लुक। वैसे इसकी तशरीहात बहुत है, मगर तफसीर कबीर के अंदर जो बात है वो मुझे ज्यादा पसंद आई, वो ये है कि ताल्लुके काबा कौसैन कहते हैं। कौसैन किसे कहते हैं? कमान, कमान समझा। और उसमें ये जो जिस पर आप तीर रखते हैं उसको काब कहते हैं, ये दस्तरखान वाला काब नहीं। जब तीर रख के खींचते हैं तो काब को खींचते हैं, और कमान से तीर निकलता। क्या बात। तो वो कमान है, और ये जो तीर, ये जो बीच में होती है रस्सी हो या कोई भी तार हो, उसको काब कहते हैं, समझा। तो अरब का तरीका ये था कि जब दो हाकिम मिलते थे, सुलह करते थे, एक होते थे,
तो दोनों रात के वक्त निकल जाते थे किसी सहरा किसी मैदान में, और फिर तन्हा तीसरा कोई नहीं होता था। फिर वो दोनों अपनी कमानों को मिलाते थे, कमान को कमान से मिलाते थे, तो ये भी पकड़ते थे वो भी पकड़ते थे, और काप को काप से मिलाते थे, उसी पर एक तीर रख करके खींच के फेंक देते थे। ये उनकी रस्म थी, यानी कमान दो है तीर एक है, कमान दो है मगर तीर एक है। मतलब ये है कि जिधर तेरा तीर चलेगा उधर मेरा तीर चलेगा, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा। इस चीज को दिखाने के लिए वो ये करते थे। तो उसी उसलूब पर खुदा ने ताल्लुके काबा कौसेन को नुमाया करने के लिए रात के वक्त का इंतखाब किया, तन्हा बुलाया ऐसा कि कोई भी ना हो, और फिर वहां पर क्या वहां पर अपनी इताअत अपनी मोहब्बत की कमान को रसूल की इताअत और मोहब्बत की कमान से ऐसा मिला दिया, और उसके ऊपर फिर अपने हुक्म का तीर चला दिया कि ए महबूब जो तेरा निशाने पर होगा मेरे निशाने पर होगा, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो तेरा मसीह होगा वो मेरा मसीह होगा, जो तेरा चाहने वाला होगा वो मेरा चाहने वाला होगा, जो तेरा जाकिर होगा वो मेरा जाकिर होगा। ये है ताल्लुके काबा कौसैन। देखा महबूब मैं तेरा हो गया तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो गया तू मेरा हो जा। वैसे काबा कौसैन की तशरीह और भी होती है। देखो रसूल दो कौस की काब हो गए, रसूल क्या हो गए दो कौस की। अच्छा दो कौस बनाइए, एक दायरा खींचो, खींच दिया बीच में काट दो, तो दो कमान बनी ना, एक कमान नीचे एक कमान ऊपर। क्या बात, काब एक है कमान दो है, काब एक है कमान दो है, और रसूल दो कमान की काब हो गए, रसूल बीच वाली काब हो गए, नीचे इमकान की कमान है ऊपर वजूब की कमान में, और बीच में वास्तुल फैज है मोहम्मद रसूलुल्लाह, बीच में वास्तुल फैज है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ऊपर से जो आएगा इसी काब से आएगा, और नीचे से जो जाएगा इसी काब से जाएगा। मखदूम अशरफ हुजूर शेखुल इस्लाम जानशीन मुहद्दिस आज़म ऐ महबूब मैं तेरा हो गया तू मेरा हो जा, और ये जो तेरे दुश्मन हैं जो तेरे मुकाबिल हैं ये तो बिल्कुल अबतर हैं। मौजूदा तो मखलूकात में इनकी हैसियत ऐसी है कि मिट्टी से भी गए गुजरे, इनकी नशस्त मिट्टी में भी नहीं मिल सके। क्या बात, यानी ये हसरत ही करते रह गए या लई तनी कुंत तराबा, या लई तनी कुंत तराबा, काश की मैं मिट्टी होता, काश की मैं मिट्टी होता। ये ऐसे अवतार इनकी इस आरजू को भी पूरा नहीं किया गया, इन्हें मिट्टी ही कर दिया जाता। ये तेरे जो बदतर जो तेरे बदगो हैं तेरे मुकाबिल दुश्मन है ये ऐसे एकदम बुरीदा। एक बात बताऊं, असल में ये आस इब्ने वाइल ने एक बात कही थी, हुजूर के औलादे नरीना जब नहीं थी तो एतराज किया था, अबतर कहा था नस्ल बुरीदा, तो कुरान ने जवाब दिया कि नहीं वो खुद उसकी नस्ल नहीं है। क्या बात, मगर आप सोचेंगे कि नहीं साहब आस बिन वाइल की तो नस्ल थी, एक हजरत आमर इब्न लास और एक हजरत हिशाम इब्न लास, ये तो दो बेटे थे, तो वो कहा तुम बिरोदा, वो तो नस्ल वाला। मगर देखो क्या सजा उसे मिली, भाई नस्ल लोग क्यों चाहते हैं, क्या बात, ताकि अपना नाम चले। नस्ल क्यों चाहते हैं, ताकि अपना नाम चले। खुदा ने उसे ऐसा तुम बुरीदा किया
कि नस्ल उसे दिया, गुलाम रसूल का बनाया। सुभान अल्लाह, गुलाम रसूल का बनाया। कि जिस औलाद की तू ख्वाहिश कर रहा था कि तेरा नाम चले, वो मेरे रसूल का परचम लेके चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल के परचम को लेकर चलेगा, वो मेरे रसूल का गुण गाएगा। तू वैसे ही का वैसे ही रह गया। सुभान, जिसको तूने अपना समझा ये भी उन्हीं के है। बेशक, देखा आपने, ऐसा बदतरीन हुआ वो। मैं यहां पर एक बात बताऊं जिससे आप अजमत रिसालत को समझ सकेंगे। मजमून बहुत ही सख्त होता हो गया, उसको मैंने हल्का करने की कोशिश की। और वैसे बहरहाल रायपुर की सरजमीन जो है वह अहले फहम की सरजमीन है, और इस तरह के मजमून सुनने की उनकी आदत पड़ चुकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तसल्ली अलैह। देखो, एक मैं उसूली बात बताऊं, कायनात की तखलीक का मकसद क्या? क्या बात? अगर आप कहें कि कायनात की तखलीक का मकसद वहदत है तो ये बात सही नहीं, इसलिए कि वाहिद हकीकी तो मौजूद ही है, अब किसी वहदत की जरूरत क्या? सुभान अल्लाह, क्या बात। अब देखें क्या मकसूद, तो कायनात में कुछ मुफरदात हैं, कुछ मुरक्कबात हैं। मुफरदात, अरे भाई कोई भी चीज हो, बात के लिहाज से वो मुफरद, बात के लिहाज से मुरक्कब, उसको ऐसे समझें आप कि एक तख्त आप बनाते हैं तो तख्त के कुछ अज्जा होते हैं, पटरे हैं, कीले हैं, तो ये कील और ये पटरे खुद मकसूद नहीं है, बल्कि इनसे तख्त बनाना मकसूद है। बेशक, तो मुफरत खुद मकसद नहीं होता, वो मुरक्कब का मकसद होता, उसे मुरक्कब बनाना। शकर है, आटा है, घी है, इससे आपने हलवा बनाया तो हलवा मुरक्कब हुआ। तो शकर खुद मकसद नहीं है, उससे हलवा बनाना मकसद। तो जो किसी दूसरे के काम में आ जाए, समझ लो वो खुद मकसद नहीं। मकसद वो है जहां तखलीक का अमल फैल जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, उसके बाद फिर नई तखलीक ना हो। खुदा ने कायनात बनाई, मलाइका को बनाया, मगर तखलीक मलाइका पर खत्म नहीं कर दी कि मलाइका के बाद अब कोई नई मखलूक ना बने। अगर ऐसा होता तो हम समझते कि मकसद कायनात मलाइका है। क्या बात, मगर खुद उन्हीं मलाइका से कहा गया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, अब सारी कायनात बन चुकी, अब आखिरी बनने वाला बाकी। क्या बात, जिसके बाद अब कोई नई मखलूक नहीं बनेगी। तो क्या समझे, जो चीज जिस पे सर्व हो जाए उसको मकसद ना समझो। मैं ऐसे समझाऊं और आसान, ये जमीन है, जमीन जो है ये नबातात की गिज़ा बन गई, नबातात का जुज बन गई, तो अब ये मकसद नहीं। और ये नबातात जो है ये हैवानात की गिज़ा बन गए, तो अब वो भी मकसद नहीं। जो दूसरे पर खर्च हो जाए वो दूसरे के लिए, उसका मकसद वही है जिसके लिए उसे पैदा किया गया। ऐसे ही हैवानात जो हैं, ये अपने को खर्च कर देते हैं इंसानों के उगले, तो अब वो हैवानात ही मकसद कायनात नहीं, वो अपने को कुर्बान करते हैं इंसानों के ऊपर। इस कुर्बान करने से उनका कोई नुकसान नहीं होता। यही मट्टी जिसमें जामी, जब दरख्तों की गिजा बनी तो कुवत नमू इसके अंदर पैदा हुई। सुभान अल्लाह, इसी से पत्तियां निकली, इसी से फूल फल निकले। यही पत्तियां अपने
अपने से गिर के तबाह हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, जानवर खा ले तो जानवर के बदन का जुज बन गई, गोश्त पोस्ट लहू बन गई, यही जानवर अपनी मौत मर जाए तो कोई हकीकत नहीं रखता, मगर इसे इंसान के ऊपर अपने को कुर्बान कर दे तो वो इंसान और हैवान नाकिफ के बदन का जुज बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम समझते हो कि ये खत्म नहीं हो रहे बल्कि इनको नई जिंदगी मिल रही। सुभान अल्लाह, नई जिंदगी मिल रही। तो जो दूसरे पर खर्च हो जाए वो समझ लो वो मकसद नहीं, तो सारी कायनात को बनाने के बाद इंसान को बनाया, वो सखर अल-कुमा फिस समावात व मा फिल अर्द, बेशक सुभान अल्लाह, सारी जमीन और आसमान को इंसान का मुसखर बना दिया, तो अब सारी कायनात मकसद नहीं रही बल्कि सिर्फ इंसान मकसद रहो। सुभान अल्लाह, मकसद कायनात क्या हुआ? इंसान, सिर्फ इंसान मकसद कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप और ठहरे, इंसान की तीन किस्में हैं, नबी मोमिन काफिर, इंसान की तीन किस्में, नबी मोमिन काफिर। काफिर का हाल ऐसा है कि बनाया गया था इसको अच्छी खिलकत पर, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لقد كرمنا بني ادم, तो उसको बनाया गया था अच्छे काम के लिए मगर उस अपने काम में लगा नहीं, बनाया गया था किसी और काम के लिए, उसमें खर्च नहीं किया उसने अपने को, बेकार हो गया वो, बदन का कोई गोश्त सड़ जाए तो किस काम का, गुर्दा बनाया गया था किस काम के लिए और फेल हो जाए तो किस काम का, निकाल के फेंक दो। अरे काज बड़े काम के लिए, अरे काम के लिए है, जो काम ही नहीं करता तो अब किस काम के लिए, पहले काम करे तो काम के लिए, मालूम है कि जो चीज काम के लिए है अगर उस काम में नहीं लगी तो बेकार। बिरयानी आपने पकाया किस लिए? खाने के लिए ना, और सड़ गई तो फेंक दो, पकाया था खाने के लिए मगर ये अब लायक नहीं, और सिर्फ सड़ने ही से नहीं फेंकते, चूहा गिर गया उसमें तो इधर उधर भी देखना कि कहीं कोई इधर उधर से नजासत तो नहीं आ गई इसमें, क्या बात, अब उस काबिल नहीं आके फेंक दो, मालूम ये हुआ कि काम की चीज भी अगर उस काम में ना आए तो सड़े हुए आजमू की तरह उसे फेंक दिया जाए, किसी लायक नहीं। अरे वो इस उलाई का हम शर्रुल बरिया, सुभान अल्लाह, वो तो बदतरीन मखलूक हो गए, वो किसी लायक ही नहीं रहे, तो जब वो किसी लायक नहीं रहे तो वो कायनात का मकसद कैसे, क्या बात है, क्या बात है, वो तो उठा के फेंक देने के लायक हुए। बेशक अब बचे मोमिन, तो मोमिन का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता, इसलिए कि मोमिन कहते हैं ईमान वाले को और ईमान कहते हैं नबी की तस्दीक को, नबी ही नहीं तो ईमान कहां और फिर मोमिन कहां, तो मोमिन का कोई अपना वजूद नहीं होता, मोमिन का वजूद नबूवत के वजूद का ताबे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साये का कोई वजूद होता है, दीवार का साया दीवार के ताबे, दीवार ही नहीं तो साया कहां, दीवार ही नहीं साया कहां। एक मरतबा साये ने शिकायत किया दीवार से, क्या बात, दीवार से साये ने शिकायत किया, तुम मेरे बीच में खड़ी रहती है, मैंने आज तक सूरज को नहीं देखा, कभी हट जा मैं भी सूरज को देख लू। साये ने गुजारिश किया कि कभी तूने मुझे सूरज नहीं देखने दिया, एक बार तो हट जा मैं भी सूरज को देख लू। तो दीवार ने कहा अगर मैं गिर गई तो तू कहां रहेगा, तेरा वजूद तो मेरे ताबे है। तो मालूम हुआ कि नबी का, जब मोमिन का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं तो मुस्तकिल वजूद वाला सिर्फ नबी, सुभान अल्लाह, बेशक मुस्तकिल वजूद वाले
सिर्फ नबी। अब पता चला कि मकसूद कायनात सिर्फ अंबिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ अंबिया मुर्सलीन ही कायनात का मकसद है, सिर्फ नबूवत वाले ही कायनात का मकसद। बात समझ में आ गई? मगर एक बात मैंने सोचा कि नबूवतें भी एक आई गई दूसरी आई गई। हजरत आदम नबूवत लेकर आए, हमने समझा कि हजरत आदम की नबूवत यही मकसद है कायनात। वो चले गए, हजरत शीशा मालूम वो मकसद नहीं था। अगर वो मकसद होता तो दूसरी नबूवत ना आती। अब इस नबूवत को मकसद बनाए तो फिर आगे चलकर हजरत नूह की नबूवत उसको मकसद कायनात बनाए, वो खात फिर हजरत कलीम की नबूवत हजरत इब्राहिम की नबूवत। मुख्तसर यह है कि हर नबी की नबूवत आती रही, एक खत्म हुआ फिर भी नबूवत का काम जारी, नबी आ ही रहे हैं। तो मालूम कोई एक नबी मकसद कायनात नहीं रहा। क्या बात? कोई एक नबी नबूवत का सिलसिला चलते 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 चलते, मगर हजरत ईसा के बाद जब आखिरी नबी को भेजा गया तो मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व खातमुन नबीयीन। अब वो नबी आ गया कि अब इसके बाद कोई नबूवत वाला नहीं आएगा। पता चला कि मकसद कायनात सिर्फ है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, फैजान महदूम अशरफ, हुजूर शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान। अब समझ में आया कि मकसद होता है तसव्वुर में पहले, वजूद में आखिर में, जिसके बाद फिर कुछ नहीं होता। देखो इसको ऐसे समझें, हमेशा मकसद आखिर में होता। मस्जिद बनाना आपने शुरू किया, मकसद जहन में आ गया कि यहां नमाज पढ़नी, तो नमाज पढ़ने का तसव्वुर आ गया। मगर वजूद कब होगा? जब मस्जिद बन जाए। सुभान अल्लाह। मदरसा आपने शुरू किया, मकसद है दर्स व तदरीस, तसव्वुर आ गया। वजूद कब होगा? जब मदरसा बन जाए। खाना पकाना शुरू कर दिया आपने, मकसद क्या है? हाँ, लुकमे तर के पर्दे में खुदा है। कब तक यूं ही आईने पे तड़पेगी निगाहें, तस्वीर से बाहर निकल आए तो मजा है। मुस्तफा खैरुल वरा है, हुस्ने कुल का आईना है। खुदा एक ऊपर
काल में तू गया अर्शे बरी पे कैसे ए अमीने राजे वहदात आईना दारे हकीकत ये शरफ अल्लाह रे अज़ीमत खत्म है तुम पे नबूवत या नबी इंसान की सूरत में लगाई कदम में तेरा जलवा नजर आया हमें पीरे तरीकत में या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين وانشرنا في زمرة الذاكرين اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين وانشرنا في زمرة العارفين اللهم احينا سالكين وامتنا سالكين وانشرنا في زمرة السالكين اللهم احينا راكعين وامتنا راكعين وانشرنا في زمرة الراكعين اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين وانشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وامتنا على الإسلام والإيمان وانشرنا على الإسلام والإيمان اللهم احينا في حياة العلماء وامتنا بموت الشهداء وانشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتوليك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين और परसों सारनाथ इस प्रदेश से इंशाअल्लाह की चौदह मुकद्दसा के लिए रवाना होंगे आप सभी हजरात इन दोनों दिनों में हमारे अब्दुल सलीम अशरफी साहब के मकान मौदा पारा में आकर के इसे इस्तकबाल करती है जो इस्लामी भाई बाहर से आए हैं वो यहाँ आराम करना चाहे तो मस्जिद वगैरह में भैया।